जनपद में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सराफा मंडल के व्यापारियों ने 3 दिन के लिए जिला के सभी सराफा की दुकानों को बंद कर दिया है, जिसके संबंध में सराफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने बताया कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है तथा जनपद में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए सभी सराफा व्यापारियों ने यह निर्णय लिया है कि सराफा की सभी दुकानों को 3 दिन के लिए बंद किया जाए, जिससे कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सराफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने कहा, पंकज गोयल अध्यक्ष सराफा मंडल गोरखपुर। देखिए, कारण किसी से छुपा नहीं है, कोरोना महामारी आज पूरे भारतवर्ष में अपना पैर पसार चुकी है। इसी के संबंध में हम लोगों ने 3 दिन की बंदी घोषित की थी, क्योंकि 2 दिन वीकेंड बंदी सरकार कर रखी है, सैटरडे और संडे। इसी क्रम में हम लोगों ने मंडे ट्यूसडे और बिजनेस डे 3 दिन की बंदी रखी है, और आप देख सकते हैं कि पूरा बाजार अपनी स्वेच्छा से सरकार के इस कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के लिए तत्पर है, और पूरे बाजार ने बिना किसी उसके अपनी अपनी दुकानें अपनी प्रतिष्ठानें बंद रखी है। तुम कितने दुकानें? हमारे को उर्दू बाज़ार में ही लगभग छोटे बड़े मिला के 5,000 दुकानें हैं, और लगभग सभी दुकानें बंद हैं। कुछ अपील करना चाहें अन्य लोगों से? हाँ बिल्कुल, मैं तमाम व्यापारिक संगठनों से आपके गोरखपुर न्यूज़ के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि उनको भी इस कदम में आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और अपने अपने संगठनों को सिलसिलेवार तरीके से बंद की घोषणा करनी चाहिए, ताकि हम कोरोना जैसे महामारी की इस चेन को तोड़ सकें।